हैशटैग से मीडिया। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है, मैं दिल्ली से हूं और पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जिसको भी शॉर्ट में WGI बोलते हैं, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि मैं इन दिनों लगातार कुछ ना कुछ वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं आमतौर पर मैं हाथ जोड़ के नमस्ते बोलता हूं, लेकिन आज मैंने हैशटैग से मीडिया क्यों बोला, उसका बहुत शॉर्ट में रीजन बताऊंगा, क्योंकि आज आपसे दूसरी बात करने में आया हूं मैं। दोस्तों, हमारी यूनियन, आप देख ही रहे हैं कि मीडिया का क्या माहौल चल रहा है, हजारों अखबारें बंद हो गई हैं, मीडिया कर्मी जो है 90% मीडिया कर्मी जो है इस समय बहुत आर्थिक संकट झेल रहा है। लगातार हम इसके बारे में आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, उसको लेकर जो मीडिया को लेकर जो इस समय स्थितियां बन रही हैं, हमारी यूनियन ने देश भर में हैशटैग से मीडिया मुहिम छेड़ने का फैसला किया और शुरुआत भी कर दी है। कल से 23 तारीख से हम लोगों ये शुरुआत कर चुके हैं हैशटैग से मीडिया। आप भी कोई भी चीज शेयर करें, कोई खबर शेयर करते हैं, कोई वीडियो मैसेज शेयर करते हैं, फेसबुक पर कुछ भी शेयर करते हैं, यूट्यूब पर कुछ भी शेयर करते हैं, तो आप हैशटैग से मीडिया, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो करें और ये कंपेन बने, ताकि सरकार की आंखों में थोड़ा सा जो है कुछ ना कुछ जो है किरकिराहट होने लगा है कि भाई हम लोग जो मीडिया कर्मियों के साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है, मीडिया कर्मी परेशान है, ये एक मैसेज देना हम लोगों को। दोस्तों, आज जो मैं खास बात के लिए आपके पास आया था, इन दोनों लगातार जो है पिछले कुछ टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, जो आप जानते हैं कि मैं व्हाट्सएप 200 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूं मैं मीडिया के, तो मेरे पास लगातार आए दिन फोन आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि सर वो पता चला कि भाई यूट्यूब चैनल जो हैं वो इलीगल डिक्लेयर हो गए हैं, सर पता चला कि पोर्टल्स जो हैं वो बैन हो रहे हैं। तो ये कहां से खबरें आती हैं, कहां से कौन देता है, ये मेरी समस्या तो परे है ये। और अखबारों में खबरें भी, छोटी मोटी अखबारों में खबरें भी छपी होती हैं कि फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो, हाँ होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई फर्जी है। इवन हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई फेक खबर चलाता है तो सरकार जो कार्रवाई कर सकती है करे, प्रशासन जो कार्रवाई कर सकता है करे। फेक न्यूज के खिलाफ हम पूरी तरह से उसके खिलाफ है, फेक न्यूज नहीं चलनी चाहिए। यूट्यूब चैनल जितने भी साथी चला रहे हैं, पोर्टल जितने भी साथी चला रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में वो नए आओ, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि फेक न्यूज से बचे। अब दोस्तों, सवाल फिर वही आ रहा है कि भाई जो फोन आते हैं कि भाई सर क्या यूट्यूब चैनल इलीगल है या बैन हो रहा है, क्या पोर्टल्स बैन हो रहे हैं, तो मैं एक दो चीजें आपसे शेयर करता हूं मैं। YouTube चैनल्स दोस्तों, इस समय हजारों देश का पत्रकार इस समय YouTube चैनल चला रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया का जो स्तर है वो काफी गिरा है इस समय, स्तर मतलब सर्कुलेशन, और जितने पहले लोग जो अखबारें छपवाते थे उसकी बात मैं कह रहा हूं मैं। लोगों का झुकाव जो है इसकी तरफ, YouTube चैनल की तरफ और पोर्टल्स की तरफ ज्यादा आ रहा है। इवन बच्चे भी जो मैं देख रहा हूँ कि अखबारें काफी कम पढ़ते हैं। हमारे टाइम पे हमारे फादर कहते थे कि ये अखबार पढ़ो करो वो पढ़ो, लेकिन अब आजकल हम बच्चों को कहते हैं कि ये अखबार पढ़ो, कह रहे पापा सब कुछ तो मोबाइल पे है, जो देखना इसी पे देख लेंगे। घर की सफाई कैसे करनी है, कोई 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 चीज शर्ट गंदी हो जाए उसको कैसे साफ करना, लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं इसके लिए, कैसे साफ होना उसी में ढूंढते फिरते हैं कि क्या उपाय है इनको कपड़े को साफ करने का। इस तरीके की चीजें आए दिन जो है, और मीडिया जगत में तो खैर यूट्यूब चैनल और पोर्टल्स का इस समय भरमार है, जबरदस्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाइए। अब दोस्तों, फिर जो है जो मुझसे जो सवाल आते हैं लोग जो करते हैं कि क्या यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, या मैं दो चीजें इसमें मैं जरूर पूछूंगा अपने जो मुझसे फोन करते हैं ना, तो मैं उनसे एक दो चीजें मैं पहले उन्हीं से सवाल करता हूं। इस देश में इस समय जितने कई बड़ी नामी पत्रकार जो कि किसी बड़े चैनल में नहीं है, किसी बड़ी अखबार में नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं आप भी जानते होंगे, वो सारे YouTube चैनल चला रहे हैं, सारे पोर्टल चला रहे हैं, सारे YouTube चैनल चला रहे हैं, सारे पोर्टल चला रहे हैं घर बैठ के इस समय, और कोई काम ही नहीं है, जॉब तो है ही नहीं, कहीं उनको जॉब मिली नहीं है, वो क्या करते हैं, वो भी यूट्यूब चैनल चलाने शुरू कर देते हैं, वो भी पोर्टल चलाने शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जितने बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, चाहे वो अखबारें ले लो, चाहे वो न्यूज चैनल्स ले लो,
सभी के यूट्यूब चैनल्स हैं, सभी के पोर्टल्स हैं। कई अखबारें मैं देखता हूं, मैं कई नामी अखबारें जो हैं, ये नाम किसी का नहीं मैं ले रहा, बड़ी बड़ी अखबारें हैं, फील्ड में मैं देखता हूं कि उनकी जो है उनके अखबार के नाम के आईडी बनाकर जो है देश भर में पत्रकार घूम रहे हैं। चैनल तो कोई है ही नहीं उनका जो है, ये कोई चैनल नहीं है उनका, कोई न्यूज चैनल नहीं है, अखबार है, नामी अखबारें हैं, राजस्थान की है, दिल्ली की है, पंजाब की है, साउथ में ऐसे ढेरों पड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने आईडी बनवाते हैं और उसके जो है नेट के थ्रू अपना काम शुरू करवा देते हैं। तो क्या वो इलीगल है क्या वो सारे लोग? इलीगल है तो पहले उन्हीं को बैन कर दो ना, क्यों नहीं बैन करते? जो छोटे छोटे बेचारे जो गली देहात जनपद स्तर पर खंड प्रखंड पे ब्लॉक स्तर पर जो है यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, पोर्टल चला रहे हैं, अब उनको आए दिन थ्रेट क्यों दी जाती है? क्यों कहा जाता है कि बंद हो रहे हैं? बंद करना तो फिर पहले बड़ों पे हाथ डाल दो, बड़ों पे हाथ डालोगे अपने आप छोटे बंद हो जाएंगे। सरकार को और सरकार की पॉलिसी के बारे में, इस बारे में अब बात करूंगा कि वैध है या अवैध है, वो भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं ब्रीफ कर देता हूं। दोस्तों, कांग्रेस सरकार सबसे पहले जो है एक पॉलिसी लाई थी ये जो ऑनलाइन मीडिया के लिए, डीएवीपी ने उनको विज्ञापन देने शुरू कर एम्पैनलिंग करती थी उन एजेंसियों को, पोर्टल्स को और वेबसाइट, जिनको वेबसाइट जो उस समय थी उनको रजिस्टर्ड किया जाता था और उनको जो है सरकारी विज्ञापन दिए जाते थे। आज भी दिए जा रहे हैं, इस समय तो खैर नहीं दिए जा रहे। उन वेबसाइट्स जो हैं जो कि हिंदुस्तान में चल रही थी पहले, आम जो उस समय जो है 2016 में मई में थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ, जो फॉरेन में जो वेबसाइट्स चल रही थी अगर उनका ऑफिस इंडिया में है किसी का और एक साल पुराना है तो उनके भी एम्पैनलमेंट किए गए थे। तो बड़े 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 लोगों के जो है एम्पैनलमेंट हो गए थे, जो छोटे बेचारे जो नए इस लाइन में नए नए आए थे जिनको पता भी नहीं था एम्पैनलमेंट का, उनके एम्पैनलमेंट हुए नहीं थे। तो लाखों रुपए के इनको, करोड़ों रुपए के इनको विज्ञापन दिए गए पोर्टल चलाने वालों को, तो क्या वो इल्लीगल थे? केंद्र सरकार ने क्या इल्लीगली विज्ञापन दिए उन पोर्टल्स को? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब जो है एक नई पॉलिसी तैयार हो रही है, बहुत टाइम से जब से मोदी सरकार आई है एक नई पॉलिसी तैयार हो रही है, न्यू मीडिया पॉलिसी। उसमें सारे जो है वो पोर्टल्स वगैरह, आगे यूट्यूब का क्या भविष्य होगा वो तो खैर उस जब नहीं आएगी, जो नीति जब नहीं आएगी तो पता लगेगा। हालांकि इस बारे में हम लोगों ने जो हमारी यूनियन ने ढेरों विज्ञापन दिए हैं, सूचना प्रसारण मंत्री को भी दिए हैं, हर स्टेट में दिए हैं, पीएम साहब को भी दिए हैं, कई विज्ञापन दे चुके हैं कि वे छोटे जो छोटे छोटे पोर्टल चला रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनको जो है करीब मान्यता मिलनी चाहिए, इनके मीडिया कार्ड बनाओ, इनको मान्यता दो। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी एक और भी ला रहा हूं मैं, हम लोग हर साल 25 अगस्त को डिजिटल मीडिया डे मनाते हैं, ऑनलाइन मीडिया डे। इसका किसी सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है, हम लोगों ने अपने तरीके से अपनी तरह से इस बारे में जो फैसला लिया कि हम हर साल जो है डिजिटल मीडिया का, क्योंकि प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने जो है ये वाली घोषणा की। और हर साल जो है हम सैकड़ों पत्रकारों को, जो डिजिटल मीडिया के, ऑनलाइन मीडिया के जो पत्रकार होते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होता है, हर साल होता है ये, 25 अगस्त को करते हैं हम लोग, और उस दिन जो है देश भर में ऑनलाइन मीडिया डे मनाया जाता है। अब दोस्तों, सवाल है कि वे अब जो इस पोर्टल्स जो चला रहे हैं या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनको करना क्या है? अभी हालांकि कोई पॉलिसी नहीं है किसी किस्म की, ना इलीगल है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई पॉलिसी भी नहीं है। पर अगर किसी ने कोई पोर्टल चला रहा है या चलाने की इच्छा है उसकी, यूट्यूब भी चला रहा है वो, तो एक जो पिछली पॉलिसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा सलाह दे दूं मैं, जो कि करना क्या चाहिए। हालांकि आप करो या अभी करो या ना करो, क्योंकि पॉलिसी अभी नहीं है, पिछली पॉलिसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि पहले तो आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी मीडिया की, किसी सीए से जाओ, मीडिया की कंपनी रजिस्टर्ड कराओ सीए के थ्रू,
और गो डैडी पे जाकर, वही एजेंसी जो है गो डैडी पर जाकर वो नाम लेगी, जो आप पोर्टल चलाना चाहते हैं या यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, नाम लीजिए उसका, वही एजेंसी उसी के थ्रू जो आपने कंपनी बनाएगी, उसी कंपनी का जो है आप जो है GST वगैरह नंबर लें, बैंक अकाउंट खुलवाएं, ताकि लगे कि एक विधिवत काम चल रहा है। ये काम अगर आप शुरुआत कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, मेरी अपनी व्यक्तिगत सलाह है। हालांकि इस बारे में सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं आई है, जो न्यू मीडिया पॉलिसी है वो DIVP तैयार कर रही है। कुछ लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि सर हमारा जो पोर्टल है वो RNI से तो रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने कहा RNI का क्या लेना देना, स्टार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया का क्या लेना देना, RNI का काम तो अखबारों को रजिस्ट्रेशन करना है, RNI का तो इससे कोई लिंक ही नहीं है। कह रहे नहीं सर, लोग कहते हैं कि जिस नाम का पोर्टल चलाते हैं उस नाम का RNI नंबर होना चाहिए। मैं सुन के हैरान होता हूँ मैं कि RNI का क्या लेना देना भैया, पोर्टल से यूट्यूब चैनल से कोई लिंक ही नहीं है दोनों का किसी किस्म का, और अभी सरकार की कोई ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं आई है, तो RNI का क्या लेना देना इस वाले मामले। हाँ, DIVP जरूर एक पॉलिसी तैयार कर रही है, काफी टाइम से तैयार है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि उसको लेकर भी लगातार विवाद जारी रहते हैं। सर हम लोग ये कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो फॉरेन मीडिया है वो ज्यादा हावी ना हो जाए यहाँ पे, उसको लेकर हम लोग जो है सरकार पे जो कुछ ना कुछ पत्र डालते रहते हैं, और अभी भी हम यही चाहेंगे कि जो गली देहात से, छोटे छोटे शहरों से, गांव से, जनपद से, खंड प्रखंड से, ब्लॉक स्तर पर जो भी पोर्टल चला रहे हैं, जो भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सरकार उनको मान्यता दे, वो एक पॉलिसी बनाओ, अगर पॉलिसी के हिसाब से अगर वो वैध है तो उनको ये उनके कार्ड बना के दो, उनको वैधता दो, उनको विज्ञापन दो, ये सारी डिमांड हम लोगों की चल रही है। तो दोस्तों फिर मैं कहूँगा कि हमने जो एक अभियान भी शुरू किया है, #SaveMedia अभियान से आप लोग जुड़ो, और इस बारे में आप कुछ और भी जानकारियां मैं आने वाले दिनों में दूंगा। तब तक जो है आप इसको जो है मेरी जो मैंने जो बोला, जितने भी YouTube चैनल चलाने वाले साथी हैं या जितने भी जो पोर्टल चलाने वाले साथी हैं, मेरी बात को उन तक आगे रखिए। कुछ और भी जानकारी होगी इस बारे में मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगा। #SaveMedia